Gott fährt. और भाइयों, ट्रेलर लॉन्च हो गया। जब से ये ट्रेलर देखा है और लग रहा है कि हाँ, इसे कहते हैं बेस्ट ट्रेलर। जब मैंने एवेंजर एंड गेम देखी, उसके बाद मेरे जो अंदर मार्वल फैन का एक कुआ था जिसका पानी सूख चुका था, आज वो इस ट्रेलर को देख के भर चुका है। फिर से वो दोबारा एनर्जी लेवल 100% हो गया है और फिर से ज्यादा एक्साइटमेंट इतनी हो रही है कि हाँ, अब दोबारा से डेली 4 वीडियो 8 वीडियो अपलोड करो। जी हाँ, अब मुझे इतना ज्यादा मतलब एनर्जी फील्ड हो रहा है इस ट्रेलर को देख के, मैं आपको बता नहीं सकता। जब ये ट्रेलर लॉन्च हुआ, मेरे पे इतने सारे मैसेज आए कि आप यकीन नहीं मानोगे। मैं रिप्लाई करूं, वीडियो बनाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बात करते हैं उन मार्वल फैंस के बारे में जिनको ये ट्रेलर कैसे पसंद आया होगा। सबसे पहले वो मार्वल फैंस डाई हार्ड, जिनको सारी मूवी देखनी है, हर एक ईस्टर एग जानना है, हर एक छोटी सी छोटी डिटेल जाननी है, और जो एवेंजर एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के टाइम पागल हो चुके थे, तो उनको तो ये ट्रेलर ऐसा लगा होगा कि जैसे कि बस ऊपर से कोई परी आ गई हो। और कुछ लोगों को ये ट्रेलर ऐसा लगा होगा कि हाँ यार, ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। जिन्होंने सिर्फ एवेंजर एंड गेम दोस्तों के कहने पे देख लियो, फिर बाद में कहा कि भाई ब्लैक विडो को ट्रेलर देख ले, लॉन्च हो गया, तो उनको ये पसंद नहीं आया होगा। पर मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने सब्सक्राइबर से मतलब है, जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, जो मार्वल के डाई हार्ड फैंस हैं, उनके लिए ये ट्रेलर ब्लॉकबस्टर हुआ होगा। और इस ट्रेलर को देखने के बाद तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, टेंशन मत लो, एक दिन में फिर से 4-5-8 वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा और फिर से डिटेल वाली वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं इंतजार कर रहा था कि मार्वल कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे, कुछ अच्छी खुशखबरी दे, और इस ट्रेलर ने वो सारी चीज़ें कमियां पूरी कर दी। और एंड का जो ये सीन था भाई, कदर। बस रेड गार्डियन से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, और देन आयरन मैन का जो सीन दिखाया है इसमें, जो कि ब्लैक विडो आयरन मैन में सबसे पहले देखने को मिली थी, ये भी काफ़ी कमाल का था और लोगों तो ज़बरदस्त। बस उम्मीद करता हूँ कि इस मूवी में बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो, और स्पेशली रॉबर्ट डॉनी जूनियर टोनी स्टार्क आयरन मैन हो, बस मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बस ये था मेरा रिव्यू, एक्साइटमेंट थी। अभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो शायद कल आएगा डिटेल वीडियो का, क्योंकि देखना पड़ेगा क्या क्या हमें इसमें नया देखने को मिला है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा रिव्यू, कैसा लगा ट्रेलर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हो पेज को लाइक करना। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर ब्लैक बटन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।